यार, बहुत मुश्किल एग्जाम आया था और तुम्हें पता है मेरे तो 2 क्वेश्चन छूट भी गए 8-8 मार्क्स के। यार मुझे तो लगता है मैं इस बार फेल हो जाऊंगी, इतना मेहनत करी थी, इतना पढ़ा था, फिर भी कुछ नहीं आता था पेपर के टाइम। तेरा पेपर कैसा गया वैसे? यार सो, तू तो बोल मत, हर बार टॉप मारती है 99%, पता नहीं कितने कितने, और देख कैसे पागल बनाती है हमें। यार जो थर्ड पेज पे सेकंड क्वेश्चन है ना, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, शायद मैम ने एक्स्ट्रा बुक से दिया था, एक्स्ट्रा बुक तो मैं पढ़ ही नहीं पाई। यार मेरा तो छूट ही गया, मैंने बताया तो। यार वो तो मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिए। अबे रुको, क्वेश्चन पेपर का थर्ड पेज पे था? हाँ। अबे मतलब मेरा थर्ड पेज पे छूट गया? यार फेल हो जाऊंगी इस पेपर में। कोई नहीं डॉली, होता रहता है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि जो 5th क्वेश्चन था जिसमें टिक द करेक्ट करना था, उसमें कौन सा सेलेक्ट करा तुमने? टिक द करेक्ट वो तो था ही नहीं, उनको तो सबको एक्सप्लेन करना था पागल। यार मैं तो बी वाले पे टिक कराई। यार मैं खुद ही, यार मुझे पता ही नहीं चला, बेवकूफी रहेगी। और कितने मार्क्स का था वो? यार 2-2 मार्क्स का एक था। शिट यार। यार अभी क्या टेंशन लेनी, रिजल्ट के टाइम टेंशन लेंगे, छोड़ो अभी। ऐसा लगता है रिजल्ट आने तक ना मेरी धड़कन तेज ही बढ़ती रहेगी, बिल्कुल ऊपर आसमान में चली जाएगी। तुम्हें पता है मेरे को तो वैसे भी नहीं आता था, मैम ना दूसरे वाले को बता रही थी, मैंने सुन लिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए करके आई हूँ, एटलीस्ट एक नंबर तो मेरा आएगा ही आएगा, पक्के है। यार मैं तो बॉडी पार्ट ऑफ सेल दिखाई। यार मैं तो उसमें सेल की ड्रॉइंग कराई। अबे उसमें डायग्राम नहीं बनाना था, डायग्राम तो दूसरे क्वेश्चन में बनाना था जो 3 मार्क्स का था, और उसको एक्सप्लेन भी करना था। यार तुम ना पेपर डिस्कस मत करा करो प्लीज। यार पता है जहाँ 50 मार्क्स आने होंगे वहाँ पे 25 मार्क्स बन जाएंगे मेरे। अभी से टेंशन हो जाएगी, रिजल्ट के टाइम टेंशन लेंगे, अभी अभी मत करो यार प्लीज। जब तक रिजल्ट नहीं आया मेरी तो दिल की धक धक ही पड़ी गई है। यार फर्स्ट वाले का आंसर तुमने क्या लिखा है, मैंने तो ऐसे ही कुछ कुछ सा भसड़ मचा दी, पता ही नहीं चल रहा। एक में सेल बनाया था, तुमने बनाया था सेल का, ऐसे ड्रॉइंग होती है ना, ड्रॉइंग सेल की ड्रॉइंग बना तुमने बटन लंग्स के वाल्व और हार्ट के वाल्व खोल। अबे यार कोमल मत करना डिस्कस, कितनी बार बोले हमें नहीं करना डिस्कस, हद हो गया यार, बोल ही रही है चुप ही नहीं हो रही। अब मेरे को अभी टेंशन नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है जैसे फेल ही हो जाऊंगी मैं। तू बेकार है यार, तू हमारी दोस्त ही नहीं है, मुझे तो बात ही नहीं करनी, ये पकड़। तू ही दे दे एग्जाम, हमें नहीं देना, फालतू में बोले जा रही है। जबकि डॉली तू तो मेरी दोस्त थी ना। मैं नहीं दोस्त होती तो मुझे बताती पेपर में, तेरा मुंह देख रही थी मैं पेपर में। भाई मैं फर्स्ट में, तू लास्ट में बैठी थी, कहां से बता देती, पागल कहेंगी। यार शुक्र है कि मैं पास हो गई। यार सिर्फ 70% आए, मम्मी काट डालेगी मुझे बीच में से। मेरे तो सिर्फ 99% आई है, 1% सिर्फ 1% आती ना तो 100% हो जाती। इतनी बेकार है यार तू, कितनी दोगली है, देख 99% लाई उसके बाद भी रो रही है, और हमारे तो हमारे सिर्फ 70% आए, तेरे कितने आए? 75 आए हैं। मेरे 47 आए हैं। हमें देख, हमें दुखी होना चाहिए, तू क्यों दुखी हो रही है? मम्मी डांटेगी 1% से रह गई। तुम टॉपर लोगों की ना यही दिक्कत होती है, 99% पे भी रो रहे हो, कोई हमारा नहीं सोचता हमारा कैसा हाल होता है। निकालो उसको ग्रुप से, पढ़ती क्यों है तू इतना? सही में ग्रुप में से निकालो, ये दोस्त बनने के लायक नहीं है। ये पेपर में कितनी बार बोलती हूँ कि बता दिया कर, बताती क्यों नहीं है तू? भाई तुम तीनों पीछे बैठते हो, मैं आगे बैठती हूँ, कैसे बताऊँ? अगर तू हमारी दोस्त होती ना तो पीछे कर सकता, ऐसे करके दिखा सकती थी, पर तो दिखाती नहीं क्योंकि तू हमारी दोस्त ही नहीं है। हाँ और हर बार रोल नंबर फर्स्ट बेंच पे तो ही ना आते, तेरा पीछे तो ना पैन मारती रहती है तेरी कमर पे कि बता दे, एक बार भी आंसर शीट ऐसे से ऐसे नहीं करती कि मैं देख के लिख लूँ कुछ। मैम देख लेती है यार, कहाँ से दिखा दूँ? यार मैम नहीं देखती, जब भी नहीं दिखाती तो तू चुप रह रहे। निकालो हमारे ग्रुप से। डॉली तू तो मेरी दोस्त है ना, दोस्त तो बताया क्यों तूने पेपर, तेरी वजह से फेल होते होते बच गई मैं। यार बड़क तो हो ही गई है, मम्मी को क्या दिखाएंगे ये आंसर शीट जिस पे इतने कम मार्क्स हैं। अब आ गया रिजल्ट, बहस मत करो चलो। यार इतना कम परसेंटेज आया, मम्मी कहेंगी 70 मार्क्स लाई है बस, और मम्मी को क्या पता ये भी चीटिंग करके लाई हूँ मैं। और मेरी मम्मी को पता चलेगा तेरे ज्यादा है तो मेरी मम्मी कहेगी इसी के साथ बैठा कर, पास हो गए ना, बहुत बड़ी बात है, रहने दो। अगर कोई मत बताना घर पे कितनी आई है, मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी को बता देती है। यार अब अच्छे मार्क्स आए तो बताएंगी। क्या हो गया, इतने खुश क्यों हो तुम लोग? 33% से, 34% से, 35.5%, 47% से, 36%। अगर 3 लड़कों के मिलाओगे ना 99%,
हो गया आधा छिड़का। डॉली तेरी ये रिंग है, क्या करूँ इसका? तू तो मेरी दोस्त है ना। मैम ने इतनी मुश्किल से आपसे शिट दिखाई थी। सही हुआ वैसे ले गए ये लोग, पता क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि घर पे जाके मम्मी को दिखाऊंगी नहीं, अगर बैग में होती तो मम्मी ना बैग खोल के देख लेती है। अच्छा बेटा, मैम नहीं बताएंगी फोन करके? अच्छा पीटीएम होगा जबकि जब देखेंगे ना, एक बार ही पिट लेंगे, बार बार क्यों पिटना है ना। यार मैम ने बोला था अब से मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे जिसमें मम्मी और पापा होते हैं। यार पास हो गया ना, छोड़ो अब डिस्कशन मत करो। चलो चलो यार, वो देखो कितने राजी और हमें देखो। यार कुछ खाने चले? अरे यार मैम क्यों आगे खड़ी हो गई सर के ऊपर? जो आता था वो भी भूल गई। अरे यार जितना आता था वो भी भूल गई हूँ, क्या लिखूं? एक काम करती हूँ, हाथ से छुपा लेती हूँ। अरे मैम कितनी बार चेक करोगे? हो गया बस, जाओ ना मैम, चीटिंग भी करनी है, कुछ नहीं आता, फेल हो जाऊंगा। चली गई, सब भूल गई थी मैं तो। अरे आज के एग्जाम में ना मेरे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारी बहन ने ना पूरा जुगाड़ कर रखा चीटिंग का। ओए चीटिंग वीटिंग बाद में करेंगे, पहले मैं तेरा भाई नहीं हूँ, ये दोनों तेरे भाई होंगे। बहन होगी तो इसकी, मेरी नहीं। हर जगह पूरी 15 चिट्स है मेरे पास और ये आंसर्स अलग से। ओ भाई 15 चिट्स है इसके पास, कहाँ का बनवा रखा है वो तो बता दे। क्यों बताऊँ, जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछोगे ना जब बताऊंगी आंसर्स तुम्हें। इतने राजी मत हो, फ्री में नहीं, हर एक आंसर के 50 रुपए लूंगी। इतनी महंगाई के दुकान में 50 ली, 25 में डन करना। अबे ओ तेरी तरह फटीचर नहीं हूँ, 50 रुपए ही लूंगी, समझ गया? अरे मैं तो तेरा भाई ना, 10 में डन करता हूँ। खा ले ना मेरा। जीजू का भी खा ले, मेरा भी खा ले। चुप करो, 50 रुपए बोल दिया तो 50 रुपए। देखो चाहिए आंसर? डन है। ओके हाँ चाहिए। हाँ मैं भी दे दूंगा। हाँ ले लेंगे, 50 रुपए का कम थोड़ी ना, बहुत पैसा है इसके पास। मेरे भी दे दियो। ठीक है फिर मैं आंसर करके तुम्हारे पास चिट पास कर दूंगी और तुम आगे वाले को पास करते रहना, ठीक है? जीजू बोल दे, तेरे को भी दिखा दूंगा फ्रेम में। पेपर 5 मिनट हो गए, चिट कहाँ है? ये पक्का आंसर कौन से का है? पांचवा। ओके अबे दे देना चिट। ए दिखा तो दे। जगह लिख के आइए, एक मिनट रुक जा। डॉक्टर वाली लाइटिंग है इसकी, लाइटिंग। दूसरा दिखा, दूसरा दिखा तो दिया। ए सुन तो, इससे पर्ची मांगना। निजु बता रहा हूँ। दूसरा दिखा, दादा वैक्सीन करा रखा है, फूल कति चमक रही है टांग। अबे आंसर देख। हाँ रुक जा, अबे भाई अगला आंसर दे। तुम सुन, अगले का दे, अगले का। पेन है क्या? हाँ दियो। चल बांक। ओए तेरे पे पेन है? ये क्या, अगर लेकिन दो भी होते ना तो भी तुझे नहीं देता
हाँ यार दिखा दे भाई, कुछ नहीं करा मैंने, समझ में नहीं आ रहा कुछ भाई। क्यों, तेरी फूफी का बेटा हूँ जो तुझे बता दो। भाई बता दे प्लीज रौनक भाई। अरे तेरे ताऊ का लड़का हूँ क्या? दिखाइयो। अरे फर्रे निकालना अपना, दिखा दो। देख आजकल के बच्चे भी है ना, सिर्फ आर्गुमेंट्स करवा लो इनसे। ताने क्या है, टीचर्स को भी यार अजीब सी होती है, फालतू में चिल्लाती रहती है हमारे पे। अरे जल्दी जाओ बेंच की सेटिंग करनी है मुझे। क्लास 12, 27 to 43, 27, 28, 29, 30, 31, 32, फर्स्ट बेंच। अबे यार, अरे तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग क्यों मुंह बना के खड़ी हो? अरे तो एक काम करो ना। क्या? मेरे पास एक आइडिया है, रुको अभी आई। हम ना वो बेंच लाके इस लाइन में रख देते हैं ताकि हमारा रोल नंबर पीछे आ जाए। अरे गर्ल्स ये क्या कर रहे हो? तुम चुप कर। अरे ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो ना। अबे ओ चुप करके बैठ जा। तेजस्वी मेरे तो फिर भी सेकंड पे आ रहा है यार, मैं क्या करूंगी? अरे यार तू क्या हो गया, बैठ जाना, कम से कम अब फर्स्ट पे तो नहीं बैठना पड़ा। यार तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है, ऐसा नहीं होता। मैं ना मैम को बताऊंगा। अबे ओ चुप करके बैठ जा, आई बात समझ में? कोमल इन्होंने ना तेरे साथ भी चीटिंग की है और मेरे साथ भी चीटिंग की है, हम ना इनकी मैम को बताएंगे। सही बोल रहा है तू, यही थी दोस्ती, यही था प्यार, धोखेबाज नहीं है। ओए देख चीटिंग के लिए पर्रा लेके आया हूँ। अरे पेपर कौन सा है आज? ड्राइंग का। अरे फिजिक्स का है आज पेपर। कोई नहीं ये भी बना दूंगा उसमें। अबे ओ हिंदी का पेपर है। इसको तो ये भी नहीं पता पेपर किस चीज का है। हिंदी का पेपर आज तो वही तो। देख कोई नहीं, दिया तो हिंदी में लिखा, यही लिख दूंगा हिंदी। मैं कल मां बेटा पढ़ के आया हूं। अबे चल, ये मत सोचियो कि चीटिंग करवा दूंगा तेरे, चल। तो क्लास आज आपका पेपर है ना? यस मैम। चलो अपने अपने बैग बाहर रखो। रुको रुको एक मिनट, ये कैसे बैठे हो आप सब? रोल नंबर वाइज मैम। नो 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 एक मिनट रुको, रोल नंबर यहाँ से नहीं, वहाँ से स्टार्ट होगा। और ये बेंच यहाँ पे क्या कर रहा है, हटाओ उसको बीच में से। मजा आ गया, मेरे साथ चालाकी कर रहे थे ना, अब मैं लास्ट में और ये तीनों फर्स्ट में। क्यों हो गया सारा, करा तो रहा खराब हो गया।
यार फंस गए। सही है, तेरे से दूर बैठूंगा, अकेले चीटिंग करूंगा। चल चल। रख रहे हैं।